हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिनांगी। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम फिर बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3E के एग्जांपल नंबर 15 के। 14 तक एग्जांपल कर लिए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो भाई साहब रिक्वेस्ट है, देख लो, काम आएंगे तुम्हारे को। और अगर आप अनूप सर मैथ्स पे पहली बार आए हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, समझदार बच्चे हो आप वैसे। सुनाओ, अब एग्जाम्पल नंबर 15 के आगे वाले नंबर थोड़े ध्यान से देखना। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। आपके पास एक टू डिजिट नंबर है तो सबसे पहले हमें बात करते हैं ये क्या लफड़ा है नया, टू डिजिट नंबर। देखो भाई साहब, जब भी आपके पास टू डिजिट नंबर मिलेगा तो उसके अंदर दो सिचुएशन मिलेगी। जैसे एक 23 एक नंबर है, या फिर 45 है, या फिर 83, 84 है। इस टाइप से जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं टू डिजिट नंबर। तो आप बोल सकते हैं 10 to 99 आर टू डिजिट नंबर्स। तो जब भी टू डिजिट नंबर की बात आती है तो दो पोजिशन होती है, एक होती है वंस प्लेस और एक होती है टेंस प्लेस। उसके बाद 100, 1000 वो सब होता है, वो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो जब भी कोई टू डिजिट नंबर बनता है तो आप बोलेंगे वंस डिजिट होती है उसमें और एक टेंस डिजिट होती है। तो हम जब भी टू डिजिट की बात करेगा तो इन्हीं दोनों को लेट कर लेंगे। तो मान लो मैंने लेट किया कि वंस डिजिट मेरे पास है एक्स और टेंस डिजिट मेरे पास क्या है वाई, तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा वो समझा दो मुझे। तो अगर हम थोड़ा सा और गौर करें 84 के ऊपर, तो इसमें वंस डिजिट क्या है 4 और टेंस डिजिट क्या है 8। तो कैसे बना होगा 84? तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया और वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड करके लिख दिया तो बन गया 84। ये बातें तुम्हें आती होंगी इसलिए मैं थोड़ा और डीपली नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर से हवा हवा में बातें कर रहे हैं। तो आपने कहा ठीक है ये बात हमें आती है, तो आप ज़्यादा टाइम हमारा लेते हुए नहीं लेते हुए फटाफट समझाओ नंबर क्या बन जाएगा, 10y + x। दूसरा, यहाँ पे भी इंटरचेंज द डिजिट की बात करेगा, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो क्या समझना है भाई साहब, इंटरचेंज का मतलब है जो पहले वंस था वो टेंस बन गया, टेंस था वो वंस बन गया। तो नाउ वंस कौन हो जाएगा वाई और टेंस कौन हो जाएगा एक्स। तो बताइए इंटरचेंज नंबर, तो रिवर्स, यहाँ पे हमेशा एक वर्ड काम में लूंगा जो समझ लेना तुम, रिवर्स नंबर। ठीक है, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, दैट इज योअर 10x + y। मान लो एक नंबर 78 है तो उसका रिवर्स हो जाएगा 87। देखो वंस डिजिट क्या बन गई, टेंस डिजिट। यहाँ पे जो टेंस थी वो यहाँ पे आके क्या बन गई, वंस। तो ये बातें थोड़ी सी तुम्हें पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा ध्यान दे इस पे। नाउ अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। तो एज पर क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि एक्स और वाई का सम कितना आया है, 12 आया है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन दूसरी लाइन क्या समझाएगा तुम्हें, द नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो ये ऑब्टेन हुआ, एक्सीड बढ़ा हुआ है द गिवन नंबर बाय 18, मतलब गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ गिवन नंबर मेरा है 10y + x, इसमें अगर मैं 18 ऐड कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 10x + y मिल जाएगा। अब इसको तुम बुक में देखोगे या कहीं और देखोगे तो कहीं पे माइनस करेगा, इधर उधर माइनस होगा, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही कर रहा है कि अगर तुम इस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे तो गिवन नंबर से 18 ज्यादा होगा। तो मैंने कहा जब गिवन नंबर में मैं 18 ऐड कर दूं तो मेरे को इंटरचेंज हुई नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनने की एक तरीका मिल गया। अब देखो इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही छोटे छोटे नंबर मिलते हैं, कैलकुलेशन नहीं मिलती ज़्यादा। चलो मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो ब्रैकेट ओपन कर लिया, 10y + x + 18 = -10x, या इक्वल्स लगा लो +y। अब देखो एक्स को प्लस रखने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, तो एक्स प्लस किधर होगा, इधर होगा कि उधर, उधर ले जाते हैं सबको, उधर ले चलते हैं, 18 को रख देते हैं इधर, तो 18 बेचारा इधर ही रह गया, 10x - x हो गया, +y - 10y हो गया। तो आपकी इक्वेशन बनी है 9x - 9y = 18। तो नाउ 9 कॉमन ले लो, x - y बचेगा, दैट इज 18। तो आपके पास एक इक्वेशन क्या बन गई, x - y = 9 का डिवाइड कर दिया 2 बन गया। एक इक्वेशन आपके पास आई x + y = 12 और दूसरी इक्वेशन आई x - y = 2। मैं इन दोनों को थोड़ा साइड में लिखकर बातें करता हूँ इनसे। एक है x + y = 12 और दूसरी क्या है आपकी x - y = 2। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, y से y कट जाएगा, 2x = 12 to 14, x = 14/2, दैट इज 7। एक्स 7 है ऊपर रख दो, तो 7 + y = 12, तो y कितना हो गया तुम्हारा, 12 - 7, दैट इज 5। y क्या है, 5 है और x क्या है, 7 है। तुमसे पूछ रहा क्या है, फाइंड द नंबर। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर।
तो X7, अब नंबर ये रहा रिवर्स वाला, ये रहा रिवर्स वाला, पूछता तो रिवर्स में पुट कर दे, और यहाँ पूछ रहा है तो 10 × 5 + 7 दैट इज 50 + 7, इट इज 57। तो वो नंबर क्या है? 57। अगर आप 57 में 18 ऐड कर देते हैं तो आपको 75 मिल जाना चाहिए। यही तो वो कह रहा था, जब एक नंबर में आप अगर 18 ऐड कर रहे हो तो उसकी डिजिट रिवर्स हो रही है। हो रही है क्या? हो रही है। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है ना, ये क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को समझना है कैसे करेंगे बस। चलो एग्जांपल नंबर 16 पे बात करते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो अपन उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहला काम देखो, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इज 99। मतलब सबसे पहले तुम लेट करो, वंस डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट वाई है। अब देखो बुक वाला आगे पीछे कर सकता है, तो तुम उसका मेरे को ये मत कहना कमेंट करके कि आपका आंसर कोई अलग तरीके से आया, बुक का अलग आया, दो तरीके सीखने को मिल रहे हैं, अच्छी बात है। नाउ नंबर क्या बनेगा भाई लोगों? नंबर बनेगा आपका 10y + x। ओके, अगर मैं रिवर्स कर दूँ या इंटरचेंज कर दूँ, ठीक है मैं रिवर्स यूज में ले रहा हूँ, तो वंस डिजिट क्या हो जाएगी? एक्स की जगह वाई, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी? वाई की जगह एक्स। तो बताओ रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा? रिवर्स नंबर बन जाएगा 10x + y। तो एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है? द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर, तुमने कहा ये रहा टू डिजिट नंबर, एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स दैट इज 10x + y, इन दोनों का सम कितना आया है? 99 आया। सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 10y प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ मैं, प्लस 10x + y इज 99। देखो x और 10x मिलकर बन गए 11x, 10y और y मिलकर बन गए 11y इज 99। 11 दोनों में से कॉमन ले लो तो x + y, और इधर डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? 9। कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, इतनी मैथ तो आती होगी यार। तो एक इक्वेशन तो बन गई। दूसरी इक्वेशन, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3। अच्छा, डिजिट्स डिफर बाय 3 मतलब तुम्हारे पास दो डिजिट है ना, x और y। भाई एक नंबर है उसमें दो डिजिट है, x और y। अब तुम्हें थोड़ी ना पता है कि वंस डिजिट बड़ी है कि टेंस डिजिट बड़ी, नहीं पता ना। तो या तो x - y करने पे 3 आ रहा होगा, या फिर y - x करने पे 3 आ रहा है। ये दो बातें समझनी पड़ेंगी कि डिजिट्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और डिफरेंस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो आपको डिजिट्स में पहली कंडीशन लेट करनी पड़ेगी कि वंस डिजिट इज ग्रेटर देन टेंस डिजिट, और दूसरी सिचुएशन में मे बी टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन वंस डिजिट। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो 1 और 2 की बात करते हैं। x + y = 9, x - y = 3। एड बोथ द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। तो नाउ y इज कैंसिल आउट, x + x = 2x, 9 + 3 = 12, x = 12/2, it is 6, मतलब x 6 है। तो मैं यहाँ पे 1 में पुट कर लेता हूँ, क्या पुट करूँ? 6, 6 + y = 9। तो y कितना आ गया तुम्हारा? 9 - 6 = 3। तो इसका मतलब नंबर क्या है? फाइंड द नंबर, ओनली नंबर। तो नंबर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, सॉरी इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये रहा नंबर 10y + x। तो 10 × 3 + 6, तो दिस इज मे बी 36। या तो नंबर 36 है, या फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करूँ तो मैं 3 की -x + y लिख सकता हूँ भाई। इसको ध्यान से देखो, तो नाउ एड बोथ द इक्वेशंस, एक्स कट गया, क्या आया? 2y = 12, y = 12/2 दैट इज 6, और 6 वैल्यू पुट करो ऊपर वाले में, x + 6 = 9, x की वैल्यू क्या आ गई? 9 - 6 = 3, या फिर नंबर क्या है? 63 है। समझ में आ रहा है ना x और y से? तो या तो नंबर 36 है या फिर नंबर 63 है, दोनों सिचुएशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए दो आंसर आ गए। तो आपको लिख देना है द रिक्वायर्ड नंबर इज 63 और 36। दो आंसर भी आते हैं, डिफर वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट करो कि डिफरेंस भी दे सकता है तो कैसे करना है। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट देखो। अब 7 × 2 digit number इज इक्वल टू 4 × the number ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट्स। तो आपको सिंपल सा काम यही करना है, पहले तो वंस डिजिट लेट करो एक्स, टेंस डिजिट लेट करो वाई। तो नंबर क्या बन गया रे बाबा? 10y + x। दूसरी सिचुएशन में जब रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सिंग द डिजिट्स या इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो वंस क्या हो जाएगा? वाई, और टेंस क्या हो जाएगा? एक्स।
तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, रिवर्स नंबर बन जाएगा टेन एक्स प्लस वाई। पहला काम, पहली लाइन एज पर क्वेश्चन, पहली लाइन क्या करिए, सेवन टाइम्स ए टू डिजिट नंबर, तो सेवन टाइम्स टू डिजिट नंबर हमारा फिलहाल तो टेन वाई प्लस एक्स है, इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स द नंबर ओपन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो दैट इज टेन एक्स प्लस वाई। सोल्व करो, दिस इज सेवेंटी वाई प्लस सेवन एक्स इक्वल्स टू फोर्टी एक्स प्लस फोर वाई, सबको उधर ले चले, फोर्टी एक्स है उधर ले चलो, तो उधर गए तो फोर्टी एक्स माइनस सेवन एक्स हो गया प्लस फोर वाई माइनस सेवेंटी वाई हो गया, दैट इज जीरो। फोर्टी माइनस सेवन थर्टी थ्री एक्स, और प्लस फोर माइनस सिक्स सेवेंटी, तो माइनस के सिक्सटी सिक्स वाई बचे इज जीरो। थर्टी थ्री कॉमन ले लो दोनों में से, तो एक्स माइनस टू वाई इज जीरो, तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स माइनस टू वाई इज जीरो, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अब देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज थ्री, अच्छा डिफरेंस क्या है थ्री, तो तुम्हारा मन करेगा डिफरेंस दे रखा है, इसका मतलब या तो एक्स माइनस वाई हुआ होगा या फिर वाई माइनस एक्स हुआ होगा, और दोनों का आंसर क्या आया होगा, थ्री आया होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, थोड़ा दिखा समझाता हूँ भाई साहब, एक्स प्लस वाई इज नाइन आया था, मतलब दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये बता रहा है कि एक्स और वाई का सम नाइन है, तो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे देखो, एक्स माइनस टू वाई जीरो, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो टू वाई आ रही है, और मैं अगर वाई की वैल्यू निकालूँ तो एक्स बाई टू आ रही है, मतलब वाई है वो एक्स का हाफ है, तो एक्स से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, इसका मतलब एक्स बड़ा है, तो बाय दिस इज इक्वेशन वन, तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन वन वी अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगी, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, समझ रहे हो ना, y माइनस एक्स तो थ्री नहीं आ सकता ना, प्लस थ्री नहीं आ सकता, माइनस थ्री तो आ सकता है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब तुम्हारा मन करे यार सर ये क्या समझा रहे हो आप, कभी करे हो दोनों को लेना है, कभी करे हो एक को लेना है, मैंने कहा रुक पहले तू ये बात समझ कि ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो भी सोल्यूशन बताता हूँ तेरे को। चलो मान लो ये इक्वेशन वन और इसको टू कंसिडर कर लेते हैं, थ्री नहीं लेते हैं अपन, ये नहीं लेते हैं, एक बार नहीं ले रहा हूँ मैं, क्रॉस लगा दिया, पर बाद में लेके दिखाऊंगा। तो आपने लिखा एक्स माइनस टू वाई इज जीरो एंड x माइनस वाई इज थ्री, तो अभी क्या करें, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस x कट गया, माइनस टू वाई प्लस वाई कितना होता है, माइनस वाई इज माइनस थ्री, तो आप लिखेंगे y की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, y थ्री आया, पुट कर लो नीचे वाले में, पुट करो x माइनस थ्री इज थ्री, तो x इक्वल्स टू थ्री प्लस थ्री, दैट इज सिक्स, तो नंबर क्या बन गया तुम्हारा, सिक्स या थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स बना, नंबर क्या बन गया, थर्टी सिक्स। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, यस आंसर 36 है। अब देखो जो हमारे भाई बंधु हैं जिनको दिक्कत हो रही थी वो समझ लो, आपने इस इक्वेशन को क्या लिख लेना है, माइनस एक्स प्लस वाई इज थ्री लिख लियोगे, और फर्स्ट को कंसिडर करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू वाई इज जीरो, चलो एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ से आया माइनस वाई की वैल्यू थ्री। अब तुम सोचो एक डिजिट माइनस में आ सकती है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं है, बट दूसरी बात भी सुनो इसकी, वाई की वैल्यू माइनस थ्री पुट करो, तो माइनस एक्स माइनस थ्री इज थ्री, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस थ्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सिक्स, दूसरी डिजिट भी माइनस की आ रही है। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करते हैं तो कभी भी टू डिजिट नंबर में दोनों डिजिट माइनस की नहीं आ सकती, एक तो आ सकती है, भाई माइनस सिक्सटी थ्री है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि माइनस का सिक्स है प्लस का थ्री है, नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा यार दिमाग लगाना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी बातें, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देख लो यार, फिर प्यार से कहाँ 18, 17 तक हो गया अपना, हाँ अच्छा ठीक है 18 देखो, एग्जाम्पल नंबर 18, ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 14, अच्छा ये कह रहा है आपके पास एक टू डिजिट नंबर है जो इस तरीके से है कि उसकी डिजिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 14 आ रहा है, तो 2 7 जा 14, और तो 14 किसी से आता नहीं, 14 1 जा 14 तो होगा नहीं, चलो मतलब 2 और 7 ही हो सकते हैं, समझ रहे हैं एक बार के, तो लेट कर लिया अपन ने, लेट वंस डिजिट क्या है, एक्स है, और टेंस डिजिट क्या है, वाई। तो एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 14, मतलब एक्स इंटू वाई क्या दे दिया, 14 दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार नंबर लिख लेता हूँ, नंबर क्या बनेगा भाई लोगों, टेन वाई प्लस एक्स, और रिवर्स कर देते हैं, ये काम आएगा ना, रिवर्स कर लेते हैं, तो रिवर्स का मतलब वंस कौन है, वाई, और टेंस कौन है, एक्स, तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा रे बाबा, रिवर्स नंबर तुम्हारा बनेगा टेन एक्स
प्लस वाई। बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट एज पर क्वेश्चन, दोबारा बोला क्वेश्चन, हमने सुना उसको। इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब कौन से नंबर में ऐड करोगे? जब भी नंबर की बात कर रहा है तो ओरिजिनल की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जब आप ओरिजिनल नंबर में 45 ऐड करते हो तो तुम्हारे को जो आंसर मिलेगा वो नंबर का ही रिवर्स नंबर मिलेगा, इंटरचेंज हुआ मिलेगा, मतलब 10x प्लस वाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, सोल्व कर लो इसको। तो ये तो 10y प्लस एक्स प्लस 45 इक्वल्स टू 10x प्लस वाई है। 10x बड़ा है, उधर ले चलो सबको, तो 45 इधर ही रह जाएगा। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 45, और 9 ले लेता हूँ कॉमन, तो बचेगा x माइनस वाई इज 45। x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 45 अपॉन 9, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5। दूसरी इक्वेशन ये रही। अब आप कहोगे ये क्या है सर, एक एक्स वाई में बना रहा है, एक एक्स माइनस वाई में बना रहा है, हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन तो आई नहीं, ठीक है, टू वेरिएबल्स में तो क्या करें? तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी ऐसा नंबर हो और एक ऐसा हो तो आप एक्स प्लस वाई ढूंढ के लाओ। कैसे ढूंढोगे? याद आया, एग्जाम्पल करवाया था। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहने दो, और इसको कुछ भी करो, इधर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेके आओ कैसे भी। तुमने कहा ठीक है सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है। अगर मैं इसमें माइनस 2xy कर दूँ तो ये दोनों टर्म मिलकर और इसके साथ मिलकर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना लेगी, बट इस माइनस 2xy को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे को प्लस 2xy भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बच जाएंगे 4xy। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है, प्रीवियस वीडियो में मैंने तुम्हें बातें समझाई थी। नाउ मुझे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अगर तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, बताता हूँ क्या मैं बोलना क्या चाहता था, रुको एक बार। x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 14 लिख सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इक्वल्स टू अंडर रूट में 25 प्लस 4 4 16 कैरी 1, 4 और 1 4 4 16 कैरी 1 और 156। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत किया क्या? नहीं, अंडर रूट में 6 प्लस 5 11 कैरी 1 81। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 81। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ कि x प्लस वाई की वैल्यू प्लस माइनस 9 आएगी। अब सुनो, अगर यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आर डी शर्मा में तुम लोग पढ़ोगे, मैंने सॉल्यूशन करवा रखे, तो वहाँ पे तुम क्या करोगे? इसमें से x की वैल्यू निकाल लो 14 अपॉन वाई और उसमें ले जाके पुट कर दो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मैंने एक एग्जांपल भी करवाया और तुम इसको चेक भी कर सकते हो यार, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है तुम्हारे, दो चीज़ें समझ में आ रही है। तो मेरे पास एक इक्वेशन आई x माइनस वाई इज 5 और दूसरी आ गई ये, तीन इक्वेशन हो गई। मैं आगे लिखता हूँ x माइनस वाई इज 5 एंड x प्लस वाई मे बी प्लस 9 मे बी माइनस 9। तो इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ भाई, x प्लस वाई इज 9 हो सकता है या फिर x प्लस वाई माइनस 9 हो सकता है। तो केस वन कंसिडर करेंगे, x माइनस वाई इज 5 एंड x प्लस वाई इज 9। ऐड कर लो दोनों इक्वेशंस को, y से y कैंसिल, तो बनेगा 2x इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू क्या आ गई? 7। मैंने तुम्हें कहा था ना स्टार्टिंग में 7 आएगी। नाउ x की वैल्यू 7 पुट करो तो x y माइनस 7 इक्वल्स टू 5। तो 7 5 इधर ले आओ माइनस 5, y उधर ले जाओ y, प्लस y हो जाएगा ना माइनस y। तो यहाँ से तुम बोलोगे y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो तुम्हारा नंबर क्या आ गया है? 27, क्योंकि y अपनी 10th डिजिट है, तो नंबर आ गया 27। अब तुम कहोगे नहीं केस टू भी समझाओ हमें, मैंने कहा केस सेकंड, x माइनस वाई 5 है, x प्लस वाई माइनस 9 है, दोनों को ऐड कर लो वापस से, ये कट जाएगा, ये आएगा 2x इक्वल्स टू माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 4 बाई 2 दैट इज 2, जो पॉसिबल नहीं है, माइनस 2 पॉसिबल नहीं है। कैसे पता चला मेरे को? पता है, देखो इधर लिखा हुआ है x इंटू वाई इज 14, तो x की वैल्यू क्या है? 14 अपॉन y, मतलब x बड़ा है ना, तो x बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो आप
एक्स प्लस वाई दोनों वैल्यूज में भी माइनस की हो सकती है, बट अपने को ये बोल सकते हैं सिंपली कि सर नेगेटिव नंबर डिजिट्स में नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, जब आप टू डिजिट नंबर को बनाओगे तो उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, वंस और टेंस डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, आ जाए नेगेटिव तो बता देना नहीं, हम इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, डिजिट्स आर नेवर नेगेटिव। ओके, क्लियर है सबको? तो हम क्या लेंगे, माइनस नाइन लेंगे। ये एक रूल होता है यार, समझना पड़ेगा। चलो फिर नेक्स्ट। अच्छा, टू डिजिट नंबर पे समझा रहा है हमारे को, कितने क्वेश्चन है यार टू डिजिट पे। अच्छा चलो, चार क्वेश्चन और कर लेते हैं। ए टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स। एक टू डिजिट नंबर फोर टाइम्स है अपनी डिजिट्स के सम के। अच्छा, तो हमने कहा देखो भाई साहब, वंस की वैल्यू एक्स ले लेते हैं और टेंस की वैल्यू क्या ले लेते हैं, वाई। तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, टेन वाई प्लस एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टू डिजिट नंबर इज है फोर टाइम्स सम ऑफ डिजिट, फोर टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स के। बात समझ में आई? एंड तो दूसरी है, एज पर क्वेश्चन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ। टेन वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस फोर वाई, उधर ले चलो सबको, फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर वाई माइनस टेन वाई इज ज़ीरो। तो यहाँ से आया थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई इज ज़ीरो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, थ्री कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस टू वाई इज ज़ीरो, तो एक्स माइनस टू वाई इज ज़ीरो, ये इक्वेशन बनी। क्लियर है? चलो इसको अगर हम सोल्व करें तो टेन वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू टू एक्स वाई बन गया। क्या बन गया, टू एक्स वाई। अब इसको क्या सोल्व करें अपन, ठीक है? बट तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं सर हम इसको सोल्व ही करेंगे, तो मैंने कहा देख, ना तो तेरे को यहाँ से ये पता चल रहा है कि हाँ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ अब यहाँ से तेरे को ये भी नहीं पता चल रहा कि इसको कैसे सोल्व करना है, तो क्या तरीका है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा? हाँ, सिंपल सा काम करो सर, एक्स की वैल्यू लेके वहाँ पुट कर दो, या फिर अगर अपने पास एक्स वाई होता तब तो हम कुछ काम कर लेते, बट अब कुछ नहीं कर सकते अपन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स क्या है, टू वाई है, वो ले जाकर इसमें पुट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं टेन वाई प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू एक्स इंटू टू वाई। एक्स की जगह टू वाई पुट करो ना, अच्छा वाई रख दिया क्या मैंने, एक्स हटा दो वाई लिख दो यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है ना? ये हो गया ट्वेल्व वाई इक्वल्स टू फोर वाई स्क्वायर, फोर से ट्वेल्व कट गया थ्री टाइम, तो थ्री वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, वाई से वाई स्क्वायर कट गया वाई टाइम, तो थ्री इक्वल्स टू वाई। अच्छा वाई की वैल्यू क्या है, थ्री, तो y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू थ्री दैट इज 6, x 6 है y 3 है, तो आंसर क्या आ गया, नंबर क्या है 36, आंसर आएगा 36। अब तुम सोचोगे ये क्या है, ना कोई इक्वेशन बनाई ना कुछ और बनाई, क्या चल रहा है? तो भाई साहब ये जरूरी थोड़ा ना है कि एग्जाम में इसने कहाँ ब्रैकेट में लिख के दिया तेरे को कि सोल्व बाय द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नहीं ना, तो ये जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि लाइफ में कुछ भी आप सोचते वैसे नहीं चलता। तो आप सोच रहे होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होना चाहिए, नहीं बना, हाँ क्वाड्रेटिक जरूर बना, यहाँ पे आके बन गया। देखो ये क्या लिखा हुआ था, यहाँ से देखो इसको, थ्री वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, अब तुम ज़्यादा दिमाग लगा दे तो इसको ऐसे लिख देते वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इज ज़ीरो, फिर तुम यहाँ से वाई कॉमन ले लेते हो वाई माइनस थ्री इज ज़ीरो, तो यहाँ से तुम लिखते या तो वाई ज़ीरो है या फिर वाई थ्री है, और ज़ीरो है नहीं, ज़ीरो होते तो टेंस डिजिट हटती है, टेंथ डिजिट नहीं होती तो ये टू डिजिट नंबर नहीं होता। तुम कहते वाई जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है, थ्री है, ये क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग हो जाता। तो यार अब मेरे हिसाब से टू डिजिट नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन अपने पास बचे हैं जो फ्रैक्शन पे है, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि अलग अलग हमने इनको पार्ट्स में देख रहे हैं, ताकि जिस बच्चे को जहाँ डाउट हो वो वीडियो देखे और मजे करे अपने मस्त जिंदगी जिए। तो कैसा लगा तुम्हें वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चीज़ें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके अनुप सर आपके लिए हाजिर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।